जनाब मोहतरम जनूबी पंजाब के सदर रजर खान साहब, जनाब तहसील करोड़ पंडा के सदर जफर रमानी भाई, जनाब लोधरा के सदर मलिक अलारिता साहब, जनाब तहसील जलालपुर के सदर सेठ लतीफ़ साहब, जनाब ज़िला मुल्तान के जनरल सेक्रेटरी असमतुल्ला खान साहब, और स्टेज पे बैठे तमाम पठा माल खान और खिंडाल में बैठे तमाम पठा माल खान का सामने। पहले तो मैं अपने जलालपुर की तहसील का और सेठ लतीफ़ साहब की जो यूनियन है उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। उन्होंने पट्टे वालों को एक बहुत खूबसूरत खिंडाल इकट्ठा किया है। जैसे कि आप दोस्तों को मालूम है कि हम पट्टे वाले इस टाइम बहुत मुश्किल के शिकार हैं। सबसे बड़ी जो मुश्किल है हमारी वो ज़िगज़ैग है। ज़िगज़ैग को मेरे ख्याल में आज 4-5 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, हम लोग इसको समझ ही नहीं सके। जिन लोगों ने समझा है अपर पंजाब में वो लोग कामयाब हैं आज भी, लेकिन हमारे गवर्नमेंट से कुछ मुतालबात हैं। हम ज़िगज़ैग को तो बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ वादे किए थे वो हमें कर्जा देना था बिना सूद वो उन लोगों ने नहीं दिया। उसके अलावा भट्टे मॉडल भट्टे लगाने थे हर ज़िले में या हर तहसील में, वो उन्होंने नहीं दी। हमारी जो मरकजी यूनियन है उन्होंने बहुत काविशें की हैं इसके लिए, लेकिन गवर्नमेंट के साथ टकराना तो उस टाइम होता है जब हम भट्टा मालकान या हमारा मुतहिद होना। हम भट्टे मालकान एक पिंडाल में तो इकट्ठे हो जाते हैं, एक तहसील में तो इकट्ठे हो जाते हैं। जब हमें बहुत ज़्यादा मुतहिद हो के आगे कहीं जाना पड़ता है तो कुछ लोग बीच में कहते हैं कि हमें काम है, फलां है, ये है, वो है, हम लोग पीछे हट जाते हैं। ये सदारत, ये अहदे, ये आनी जानी चीज़ है। मैं नज़र खान साहब ने 14 साल हमारे मुल्तान ज़िले के लिए काम किया है, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और जनाब इनसे भी बढ़कर जो हमारे शुएब खान रियाजी साहब हैं, आप लोग उनसे मिल चुके हैं। मेरे ख्याल में बहुत अरसे से ये 84 या 85 से ज़िला पाकिस्तान के वो सदर हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, और मेरे ख्याल में उनकी नेक नीति पे शक करना तो बहुत ही बंदे के लिए वो सही नहीं है। इधर लोगों ने उनके ऊपर बातें की, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमने मरकज़ी यूनियन के साथ चलना है। जो मरकज़ी यूनियन हमें फ़ैसला देगी इंशाल्लाह वो हम आप लोगों तक पहुँचाएँगे। आप लोग ही हमारी ताकत हैं, आप लोग हमारे साथ मिल के चलेंगे इंशाल्लाह हम कुछ अच्छे और बेहतर फैसले कर सकेंगे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमें ज़िगज़ैग का, इसी के लिए आज लोगों ने मतलब है कि हमें जलालपुर वालों ने वुदू किया है, हम इसी के ऊपर डिस्कस करने के लिए आए हैं। और ये जो ज़िगज़ैग का जो मसला है, जो भट्टे गिराए जा रहे हैं, इसके लिए जब तक हम लोग मुतहिद नहीं होंगे तो ये मसला हल नहीं हो सकेगा। लिहाजा हमें भट्टे मुल्तान में भी, शुजाबाद में भी और ज़िला तहसील जलालपुर में भी हमें भट्टे वालों को मुतहिद होना पड़ेगा और एक ही जो फैसला होगा उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। जब तक हम अमल पैरा नहीं होंगे मरकजी यूनियन के फैसलों पर, उस टाइम तक कामयाबी मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। वालेकुम अस्सलाम।